हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक नए नोटिफिकेशन के ऊपर मैं चर्चा करने वाले हैं जो कि DU की तरफ से जो है आज ही रिलीज किया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर मैं चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन देखने से पहले हम इस चीज़ को लेकर चर्चा कर लेते हैं एक बार। दरअसल उम्मीद किया जा रहा था कि 17 तारीख के बाद जो है लॉकडाउन जो है खुलेगा और कुछ चीज़ों को लेकर जो है ढील दिया जाएगा, यानी कि जो है कुछ चीज़ जो है डिपार्टमेंट हो सकता है खुले या कॉलेज जो है कुछ खुल ले, जिसके कारण जो है हमें जानकारी मिल पाएगा कि किस तरह से हमारा एग्ज़ाम होगा, क्या होगा इस चीज़ को लेके। लेकिन अभी भी जो है आपका लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है जो कि 31 मई तक कर दिया गया है, और एक बार फिर से जो है कॉलेज को जो है 31 मई तक अब जो है कोई भी काम नहीं होगा, पूरा डिपार्टमेंट जो है और कॉलेज जो है बंद रहेगा। तो दोस्तों इसी को लेके जो है एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं पहले कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या है, फिर जो है हम बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यही नोटिफिकेशन है जो कि DU की तरफ से जो है रिलीज किया गया है, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर बाकी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ऑफिस ऑर्डर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफिस ऑर्डर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 19 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, 14 मार्च 2020, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि इतने दिन तक जो है ये बंद हुआ था और अब जो है इसको लेके जो है ये ऑर्डर नंबर है, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन डालते हैं तो उसका जो है कुछ ऑर्डर नंबर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशन ऑफ द गाइडलाइंस एनेक्स्ड टू द MHA, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर द यूनिवर्सिटी सेल रिमाइन क्लोज फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 वीक विथ इफेक्ट फ्रॉम द 18/5/2020 फॉर द कम्प्लीमेंट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। फर्दर ऑल द एम्प्लॉयज आर द रिक्वेस्टेड टू द इंस्टॉल आरोग्य सेतु ऐप इन देयर कंप्लीटेबल मोबाइल फोन्स। तो इसमें ये कह रहा है कि इतने तारीख तक जो है आपकी क्लासेस जो है बंद हुई थी, फिर कक्षाएं जो है बंद हुई थी लॉकडाउन के कारण, और अब जो है फिर से बढ़ा के जो है 2 हफ्ते के लिए जो है कर दिया गया है, यानी कि 31 मई तक जो है आपका कॉलेज बंद कर दिया गया है फिर से। और इसी को लेके जो है जो भी कर्मचारी हैं, यानी कि जो भी स्टाफ हैं DU के, उनको जो है ये कह रहे हैं DU की तरफ से कि उनको जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप के लिए एक मैं चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। दरअसल आरोग्य सेतु ऐप को लेके जो है कन्फ्यूजन भी बना हुआ है और डर भी बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है और बहुत सारे जो ऐप बनाते हैं उन कंपनियों का भी कहना है कि ये जो है आरोग्य सेतु ऐप के कारण जो है बहुत सारे डाटा जो है लीक हो जाता है, और ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो है सेफ़ नहीं है, जिसके कारण जो है आपका डाटा जो है कहीं और भी यूज किया जा सकता है। अगर आपका जो डाटा ले लिया जाए और किसी और जगह यूज किया जाए तो आपका जो है प्राइवेसी जो है वो खतरे में आ सकता है। तो इसी को लेकर जो है कुछ लोग विरोध भी करें, हालाँकि आपकी मर्ज़ी है, आप डाउनलोड करना चाहे तो इसको कर भी सकते हैं, बाकी नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। बाकी हम आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ई लर्निंग प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड द डिपार्टमेंट एंड कॉलेज आर रिक्वेस्टेड टू द पीरियड बेस्ड रीडिंग मटेरियल टू द स्टूडेंट थ्रू देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पीरियड डिटेल ऑफ द वेरियस लर्निंग रिसोर्स द वेबसाइट आल्सो प्रोवाइड डिटेल ऑफ द VPN कनेक्शन ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर टू एक्सेस द लाइब्रेरी रिसोर्स फ्रॉम होम। द इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कंप्लीटेंट अथॉरिटी। तो यही नोटिफिकेशन था जो कि जो है DU की तरफ से जो है आज रिलीज किया गया था, और इसमें यही कहा गया है कि आप दूसरे में जो यही कहा गया है कि आपका जो है क्लासेस जो है अभी तो नहीं होगी, क्योंकि क्लासेस जो है ऑनलाइन अभी चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस जो है नहीं होगी अब आपकी। दोबारा अगर सोच रहे होंगे कोई छात्र इसको लेके, बाकी आपका जो वेबसाइट पे जो जिस तरह से आपका जो ई लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, यानी कि ई लर्निंग प्रोसेस में जैसे क्लासेस चल रहा है या जो भी आपका स्टडी मटेरियल जो है वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड किया कराया जा रहा है या व्हाट्सएप के माध्यम से जो आपके टीचर प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो वैसे ही जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसको लेके जो है आपको टीचर जो है आपको उसका जो है ID पासवर्ड भी जो है
कर दिया जाता है, यानी कि आपको जो है देते रहते हैं, तो उसको लेके जो है आप पढ़ते रहें। बाकी कोई भी और दिक्कत हो तो आप वेबसाइट को जो है चेक करते रहें, उस पर अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों यही नोटिफिकेशन था, इसमें कोई खास अपडेट नहीं था, और यही अपडेट है कि आपका जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 31 मई तक, और अभी जो है पूरा जो है विश्वविद्यालय जो है 31 मई तक अभी कोई काम नहीं होने वाला है। तो आप खुलने का इंतज़ार करें, बाकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि जब भी खुले आपका एग्ज़ाम हो जब भी, तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ। बाकी आज के इस अपडेट में इतना ही, बाकी और भी कुछ अपडेट होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।